तो दोस्तों, फाइनली जिस फिल्म का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार रणबीर कपूर एनिमल मूवी के बाद कौन से ऐसे डायरेक्टर होंगे जो रणबीर कपूर को अपनी फिल्म में नहीं लेना चाहते होंगे। एनिमल मूवी ब्लॉकबस्टर निकली और अच्छी खासी कमाई भी करी। इसके बाद जो है, रणबीर कपूर का नाम रामायण से जोड़ दिया गया। हम सभी को पता है कि अभी कुछ साल पहले आदिपुरुष मूवी आई थी जो कि बकवास निकली, ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन ये भी सुनने में आया कि नितेश तिवारी अपनी फिल्म रामायण लेकर आ रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर भगवान श्री राम के किरदार में नजर आएंगे। वहीं साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी सीता माता के किरदार में नजर आने वाली हैं। ये सुनने के बाद ऑडियंस शॉक्ड रह गए और उनका ये कहना है कि अगर आप दोबारा रामायण लेकर आ रहे हैं तो उस पर फोकस किया जाए, यानी कि सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए, लैंग्वेज से कॉस्ट्यूम और लोकेशन वीएफएक्स हर चीज पर ध्यान दिया जाए। तो फाइनली अब इसके रिलीज डेट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी का इसके रिलीज डेट का इंतजार था कि आखिरकार रामायण मूवी कब रिलीज होने वाली है। तो मैं आप सब लोगों को एक ऐसी अपडेट दूंगी जिससे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो पहले तो मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि रामायण मूवी दो पार्ट में बनेगी और दोनों पार्टों की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दोनों पार्ट की रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। साथ में पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ उसमें हमें देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात तो यह है ना कि हमें रिलीज डेट पता चल गई है। जी हाँ दोस्तों, नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी रामायण 2026 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है, यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट 2026 के दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। वहीं अगर सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों, बस एक साल का गैप है, यानी कि 2026 में फर्स्ट पार्ट रिलीज होगा और 2027 में सेकंड पार्ट रिलीज होगा, वो भी दिवाली के मौके पर। दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर रिलीज होंगी, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धमाका होने वाला है। वैसे तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो साई पल्लवी सीता माता के किरदार के लिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और कोई भी इनसे नाराज नहीं है। हर कोई खुश है कि सीता माता के किरदार के लिए साई पल्लवी को लिया गया है। वहीं रणबीर कपूर इसमें भगवान श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि केजीएफ स्टार यश इस फिल्म में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। पहले तो ये बता दिया गया था कि वो इस फिल्म को नहीं करेंगे, लेकिन अब ये फाइनल है कि रामायण मूवी में जो नितेश तिवारी अपनी फिल्म में रामायण लेकर आ रहे हैं उसमें केजीएफ स्टार यश रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आने वाले हैं। तो ये तो काफी दिलचस्प बात हो गई है जिसे लेकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। खासकर इसके रिलीज डेट को लेकर हर कोई बहुत परेशान था। अब इसका धीरे धीरे अगर कहीं पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर फोटोज भी वायरल हुई हैं, वीडियोस भी वायरल हुआ है, लेकिन अभी ऑफिशियल तरीके से कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया गया है। सोचिए, अगर रिलीज डेट अभी आ गई है तो बहुत सारे पोस्टर भी हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये एक बड़े बजट की मूवी होने वाली है जिसको लेकर हर कोई बहुत सतर्क है। खासकर फिल्म के डायरेक्टर यानी कि नितेश तिवारी इस फिल्म में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं। वीएफएक्स से लेकर एक्टर और कॉस्ट्यूम वगैरह जो भी सब कुछ लोकेशन वगैरह इसमें रहेगा, वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि पिछले नतीजा तो हर किसी ने देख लिया था, उसको सिर्फ गालियां ही मिली थी। खासकर उसमें जो डायलॉग्स वगैरह डाले गए थे, लिटरली किसी को पसंद नहीं आए थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नितेश तिवारी अपनी फिल्म रामायण पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और वैसे भी नितेश तिवारी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। हम सभी को पता है कि उन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल बनाई थी और दंगल मूवी ब्लॉकबस्टर निकली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी में अपना नाम दर्ज कर लिया है। फिलहाल तो रामायण देखते हैं कि किस तरह से मूवी बनकर आती है, क्योंकि ये तो दो पार्ट में बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि हमें फर्स्ट पार्ट में कुछ अलग देखने को। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि 2026 में रिलीज होगी दिवाली के मौके पर, एक साल बाद 2027 में दिवाली के मौके पर पार्ट टू रिलीज होगी। ऐसे में देखा जाए तो ऑडियंस सबसे ज्यादा इसी बात की खुश है और शायद हम लोग भी खुश हैं, मतलब खुशी है कि बस एक साल का गैप दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो एक्टर वगैरह डाले गए हैं वो सबके फेवरेट है, चाहे वो रणबीर कपूर हो, साई पल्लवी या फिर यश। तो दोस्तों, रामायण मूवी को लेकर आप कितना ज्यादा खुश हैं और इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। और मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई बातचीत करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।